और फिर आयरन मैन थैनोस को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। फिर वो नीचे आके बोलता है कि अगर दोबारा तुमने मेरे पे जाला फेंका तो अच्छा नहीं होगा। फिर थैनोस बोलता है टोनी स्टार्क। फिर आयरन मैन बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? फिर थैनोस बोलता है हाँ मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता हूँ और तुम मेरे लिए श्राप हो। फिर आयरन मैन बोलता है फिलहाल तो तुम मेरे लिए श्राप हो। फिर आयरन मैन अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर देता है और वो थैनोस का टारगेट लॉक कर देता है और फिर वो सीधा जाके थैनोस के लगता है। फिर आयरन मैन अपनी लेग बूस्टर से थैनोस के ऊपर मार देता है। फिर वो अपने हैंड को एक बड़ा सा पंच बना के थैनोस के ऊपर मारता है। फिर थैनोस आयरन मैन की हेलमेट उखाड़ देता है और उसको पीछे ढक देता है, लेकिन तभी उसके पास नया हेलमेट आ जाता है। फिर थैनोस अपने पावर स्टोन का यूज करके उसके लेजर मारता है आयरन मैन के ऊपर, लेकिन अपना आयरन मैन शील्ड बना लेता है वहां पे। फिर टोनी फॉल बैक करके सीधा आयरन मैन के हाथ दबा के और उसके मुंह पे पंच मारता है और फिर उसके गाल से भी खून निकलने लग जाता है। फिर अपने ब्लड को देखते हुए बोलता है कि अब एक बूंद खून की कीमत तुम्हें भारी पड़ेगा। फिर थैनोस अपना वहां से हाथ निकाल लेता है और वहां पे टोनी दूर जाके गिरता है। फिर वहां पे थैनोस उसको बहुत ज्यादा मुक्के मारने लग जाता है। फिर थैनोस आयरन मैन को उठा के पावर स्टोन से उसको दूर फेंक देता है और अब यहां पे थैनोस फॉर्म में आ चुका था। फिर आयरन मैन अपनी लेजर थैनोस पे मारने लग जाता है, लेकिन वो अपने उरू मेटल से बने गॉन्टलेट से रोक लेता है और वो धीरे धीरे आयरन मैन के पास बढ़ता है। फिर वो आयरन मैन के हेड पे मारता है जिससे उसका आयरन हेड पूरा टूट जाता है। फिर आयरन मैन अपने बचे पूछे नैनो पार्टिकल से शार्प वेपन बनाता है और उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी थैनोस का हाथ पकड़ के वापस उसी के पेट में मार देता है। अब यहाँ पे आयरन मैन का पूरा आर्मर भी टूट चुका था और वो खुद भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और वहाँ पे थैनोस भी टोनी को पूरा मार सकता था, बट वहाँ पे वो टाइम स्टोन की वजह से उसको छोड़ देता है। अब आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और मैंने ये वीडियो को ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में बनाया तो नहीं है, लेकिन आगे वाली वीडियो में आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।